please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, भवानी सिंह दे रहे हैं राजस्थान के अलवर के दिव्य धाम के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी महाराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित लड़की का दावा है कि पिछले 7 अगस्त को फलाहारी महाराज ने उसका बलात्कार किया। लड़की ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में FIR दर्ज कराई, जिसे अलवर पुलिस को भेज दिया गया। उधर आरोपी फलाहारी बाबा अस्पताल में भर्ती है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पा रही। जो प्रारंभिक जांच है और उसमें पीड़िता के बयान भी लिए उन्होंने और पीड़िता के जो भी मेडिकल कराना है वो चल रहा है और आंखों में इंफेक्शन है और आराम करके बाबा जब आए थे तो वो बेहोशी की हालत में थे। हमने उनको इमरजेंसी ICU में लेके एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। उनको बुखार आ रखा था, 100.5 BP बढ़ा हुआ था, 160-110 BP चल रहा था। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनका उपचार शुरू किया। राजस्थान के अलवर में भक्तों को प्रवचन देने वाले फलाहारी महाराज पर रेप का आरोप लगा है। बाबा के खिलाफ एक लड़की ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुकदमा दर्ज कराया और लड़की ने दावा किया कि कौशलेंद्र उर्फ फलाहारी महाराज ने उसका बलात्कार किया। राजस्थान के अलवर में फलाहारी महाराज का आश्रम है। छात्रा के मुताबिक 7 अगस्त को पूजा पाठ के बहाने फलाहारी बाबा ने अलवर में उसका रेप किया। पीड़ित छात्रा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद ये केस राजस्थान के अलवर पुलिस को भेज दिया गया। अब इस मामले में फलाहारी महाराज से पूछताछ की तैयारी है। समस्त दस्तावेजों को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आरोपों पर जब आश्रम से सफाई मांगी गई तो जवाब के बजाय वो बाबा के खराब स्वास्थ्य की जानकारी देने लगे। महाराज जी का स्वास्थ्य 13 तारीख से बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है और आंखों में इंफेक्शन है। पीड़ित परिवार फलाहारी महाराज के आश्रम से जुड़ा बताया जा रहा है।